एक कप चीनी और 1.5 कप पानी। चार अदरक इलायची। अब इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे। चिली को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। अब हम शुरू करते हैं अपना शीरा। हमारा तकरीबन तैयार हो गया, 10 मिनट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केवड़ा लहसुन और हम इसको ढक देंगे हल्की आंच पे। इसको छोड़ देंगे और अभी हम बनाते हैं अपने गुलाब जामुन। अभी हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे। अभी हम शुरू करते हैं अपने गुलाब जामुन। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया हल्की आंच पे। ये सारी चीज़ें डाल के अंडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच पिघला हुआ घी, इन सब चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह भून लेंगे। ये इस शक्ल में आ जाएगा। हम इसको थोड़ा सा हल्का सा बस हल्के हाथ से ज़रा सा भून लेंगे। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। अभी हम इनको फ्राई करते हैं। सही, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मीडियम सी आग पे हम इनको तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आग हमने बिल्कुल स्लो रखनी है। चूल्हा बंद कर देंगे और अभी ये हम इसी तरह ही शीरे में डाल देंगे। उनकी निकाल शीरे में डाल के तकरीबन 5 मिनट आने मीडियम आंच पे पकाएंगे। तकरीबन 3 मिनट मीडियम आंच पे। अब इनको हम आधा घंटा ढक के छोड़ देंगे शीरे में। आधा घंटा शीरे में रखने के बाद ये गुलाब जामुन हमारे बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं।
पिसे हुए नारियल से हम इन्हें गार्निशिंग करते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।